चुनाव प्रचार कहें तो सभी प्रत्याशियों ने अपना तेज कर दिया है और सभी प्रत्याशी अपना जितना अत्यधिक समय हो रहा है वो क्षेत्र में बिता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनवार विधानसभा में और भाजपा से प्रत्याशी पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे ही जानेंगे कि इस बार जनता के बीच जा रहे हैं, सर कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? जनता के बीच में हम लोग आज नहीं जा रहे हैं, 5 वर्ष से जा रहे हैं। जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ पूर्ण रूप से है और ये 23 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कितना वोट से जीता, जितना तय है और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होगा, जो आज तक कभी नहीं रहा वो होने वाला है। जनता का इतना अच्छा झुकाव है जिसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी का जो गरीब के बारे में जितना योजना चला रहे हैं, या हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, इन लोगों का जितना योजनाएं गरीब के लिए चल रही है वो योजना से इतना लोग प्रभावित है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हम भी 5 वर्ष में यहाँ लगातार रहे हैं और जनता के सुख दुख में 24 घंटा शामिल हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व करने की कोशिश किया है, चाहे वो फायर ब्रिगेड का हो, टाइगर मोबाइल का हो, ट्रांसफार्मर बनवाने का हो, IIT में एडमिशन दिलवाने का जो ये Super 30 है उसके लिए हो, हॉस्पिटल के डॉक्टर की प्रतिनिधित्व करवाना हो, थाना खुलवाना हो, जितना काम है उस हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर किया है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कैंडिडेट तीनों का इतना अच्छा प्रभाव है कि जनता ओतप्रोत है कि किस समय 12 तारीख आवे कि हम बुटंदा में कमल छापे बुटंदवा के भारतीय जनता पार्टी को जिला कहें। तो सर आप इससे पहले IG रह चुके हैं, एक प्रकार से जनता की सेवा वैसे भी हो रही थी, तो क्या मन हुआ कि अब राजनीति में आकर सेवा? देखिए ये अपना विचार है, ये अपना विचार है, मेरा विचार शुरू से ही था जनता के बीच में रहने का, मेरा स्वभाव है शुरू से। जब मैं SP भी हुआ करता था, DIG IG भी हुआ करता था, तो जनता के बीच में जाने का हमेशा रहता था। जब हम IG थे तो एक आदेश भी हमने निकाला था सभी SP सभी जिला के लिए कि कोई टेलीफोन जब उठाता है तो थाना पर बड़ा उल्टा पुल्टा बोलता, कोई टेलीफोन किया तो डांट कर बात किया, तो हम कहे नहीं वैसे बात नहीं होगी, थाना पर जो भी पदाधिकारी रहेगा सीनियर मोस्ट आदमी वो थाना उठाएगा टेलीफोन। और उसमें वो हम लोगों को 95,000 से ज़्यादा आया, अंदाजे से लगा लीजिए 14-19 में क्या फ़र्क है। सर किन मुद्दों के साथ इस पर आप मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं? विकास का मुद्दा है, विकास जो भारतीय जनता पार्टी किया है उसका विकास पहली मुद्दा है। उसके बाद बिजली का प्रॉब्लम था, बिजली का भी प्रॉब्लम हम लोग बहुत हद तक शॉर्ट आउट किए हैं और आने वाला समय जनवरी तक मैं समझता हूँ कि किसी गाँव में बिजली के बिना कोई आदमी नहीं रह पाएगा। 24 घंटा बिजली मिलेगी, पहले 38 सब स्टेशन थे 70 साल में, और हमारे मुख्यमंत्री जी जब हुए हैं तो 138 बना दिए हैं सब स्टेशन, इसलिए बिजली मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट में है जैसे हम लोग जिला के बारे में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री के सामने देखे होंगे हम आवाज़ उठाया कि ये राजधनवार या खोरी महुआ जिसको बोलते हैं इस बहुत पुराना है, इसको हम लोग बहुत बड़ा है, कहाँ गामा कहाँ तीसरी बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, इसलिए इसको जिला के रूप में परिणत किया जाए। तो मुख्यमंत्री भी कंसर्न दिए हैं, इसको जिला हम लोग बना देंगे। धनवार समेत और जो 6 सीट है सर, कितने सीटों पर? अब सब सीट पर निकलेगी भाजपा, सब सीट पर निकलेगी। और ढिबरा का भी एक हमने प्रश्न उठाया था, ढिबरा में के सिर्फ यह लोग राजनीति करते हैं, चाहे बाबूलाल जी हों या राजकुमार जी हों, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री से बात किया कि इसका एक लीगलाइज करके, हम लोग दिल्ली से भी बात किए थे मंत्रालय में, तो लीगलाइज करके इसको उद्योग का धंधा दिया जाएगा बहुत जल्द, एक एक आदमी को उसमें इम्प्लॉयड कर लिया जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ढिबरा पर जो प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, 2-3 महीना का समय है, टोटल लीगलाइज होकर के हम लोग एक एक मजदूर जितना था सबको नौकरी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भी सीट से खड़े हैं सर, और भी कई दल के लोग हैं, इनसे मानते हैं कि सामने कौन किसको दिखते? मुझे तो किसी उसको कम किसी नहीं दिखाई पड़ता, हम लोग बहुत आगे हैं, वो लोग अब सेकेंड माने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। कहें तो इस बार लग रहा है सर कि जनता परिवर्तन के मूड में है, धनवार की जनता? धनवार की जनता एकदम मूड बना लिया कि कमल का फूल खिलावेगा, यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, कमल का फूल खिलेगा और बड़ा फूल खिलेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह भी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धनवार विधानसभा से इस बार बड़ा कमल खिलेगा और धनवार समेत पूरे झारखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी।